समय में सब पेरेंट्स अपने बच्चों को सुपर डुपर इंटेलिजेंट बनता हुआ देखना चाहते हैं, या यू कहें हर पेरेंट अपने बच्चे को आइंस्टीन बनाना चाहता है। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसा नाम जो आज इंटेलिजेंस का पर्यायवाची बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो अपनी स्कूल लाइफ में किस तरह के स्टूडेंट थे? तो चलिए आज मैं सुनाती हूँ आपको एक ऐसा वाक्य जिसने आइंस्टीन की जिंदगी बदल दी। नमस्कार, मैं माला जैन स्वागत करती हूँ आपका इंस्पिरेशन जंक्शन में। जब अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में थे तो एक दिन उनकी टीचर ने उनको एक लेटर दिया और कहा कि इसे जाकर अपनी मदर को दे देना। वो बड़ी क्यूरोसिटी से अपनी माँ के पास आए और उनको वो चिट्ठी थमा के कहा, माँ जरा पढ़कर तो सुनाइए, मेरी टीचर ने आपके लिए क्या लिखा है। उनकी माँ ने एक नज़र लेटर पर डाली और दूसरे ही पल उसे पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, अल्बर्ट इसमें लिखा है कि आपका बेटा अत्यंत प्रतिभाशाली है और इसको पढ़ाने के लायक शिक्षक हमारे स्कूल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपसे विनती है आपके बेटे को आप घर पर ही पढ़ाएं। यह सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े खुश हुए, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। और उसके बाद उनकी सारी शिक्षा दीक्षा उनकी माँ ने ही पूरी कराई, और ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो कितने महान वैज्ञानिक बने। उनके ब्रेन पे रिसर्चेस हुई कि आखिर उनका ब्रेन कैसा है जो इतनी इंटेलिजेंस रखता है। ऐसे चलते जब वो बूढ़े हो चले थे तब आइंस्टीन की नजर सामान देखते हुए फिर से उस लेटर पर पड़ी और उन्होंने उस लेटर को खोलकर पढ़ा। आप जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा एकदम मंदबुद्धि है, इसे 100 बार पढ़ाए बाद भी कोई पाठ याद ही नहीं होता। अब हमारे सारे टीचर्स इनसे परेशान हो चुके हैं और हम आपके बेटे को स्कूल से निकाल रहे हैं। आपसे विनती है कि आप इनकी शिक्षा घर में ही दें। इस पल में आइंस्टीन अपने माँ के प्रति कितने ग्रेटफुल होंगे यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैं सैल्यूट करती हूँ उस माँ के पॉजिटिव एटीट्यूड को, थिंकिंग को, आइडिया को, समझ और समझदारी को, जिसने उनके बेटे की जिंदगी बदल दी और पूरी दुनिया के सामने एक इतना बड़ा उदाहरण खड़ा कर दिया। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर ये सिचुएशन आपके या मेरे सामने होती तो हम कैसे रिएक्ट करते? पहली बात तो ये कि अगर ऐसा लेटर हमारे बच्चे के स्कूल से आता तो हम पेरेंट्स तो डिप्रेशन में आ चुके होते। दूसरा, पूरी फैमिली ने मिलकर उस बच्चे का जीना दूभर कर दिया होता। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आइंस्टीन की मदर की जैसा हम जैसे नॉर्मल लोगों के बस की तो नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आज हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं या सोशल मीडियाज पे देखते हैं, या फिर देखते हैं बच्चे फैमिली से दूर हो रहे हैं, गलत संगत से गलत हैबिट्स में आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो किसी और का नहीं अपना ही बच्चा हो और न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़कर ही आंखें भर आती है। ऐसा होता है ना? इसलिए आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने टीनेजर बच्चों के साथ बेटर कनेक्शन रखें। और वो कैसे? मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब ऐसी कोई बात हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, तो हमें सारी बातें अपने नज़रिए से ना सोचकर उनके पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। और अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से एग्री ना हो तो एक पॉज लेकर उनको क्रिटिसाइज ना कर कर या उनपे अपना डिसीजन ना थोप कर ये कहना चाहिए कि बेटा हमें कुछ समय दो, मैं सोच के बताता हूँ। अभी जो समय है उस समय में वो बच्चा भी उस पर डिसीजन ले पाएगा और हम भी ठंडे दिमाग से उस बात पर सोच पाएंगे और शायद बेटर डिसीजन कर पाएंगे। और दूसरी बात, जब कोई बात हमें समझानी हो, कहनी हो या मनवानी हो, उसका भी समय होता है। जब बच्चा सोने जाता है या सुबह उठने का समय होता है तब आप उसके पास जाइए, उसके सर पे प्यार से हाथ फेरिए, उसे हग करिए, अपने पास सुलाइए और फिर उसे अपने मन की बात कहिए। उसके साथ आपकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर कर सकते हैं कि बेटा ऐसी प्रॉब्लम एक बार हमने भी फेस की थी और हमने किसी से शेयर नहीं किया, बट वी रियली अप्रिशिएट योर एटीट्यूड कि आप हमारे साथ शेयर करते हो, तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। उस बच्चे को लगेगा कि शेयर करके मैंने कोई गलती नहीं करी और ऐसी सिचुएशन सबके साथ में आती है। उनको बताइए कि उस गलतियों करने से आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ी, तो वो शायद उस सिचुएशन को बेटर समझ सकेंगे। और उनको सिर्फ सजेशंस और राय दीजिए मत, उनसे राय लीजिए। जब आपके पास डिफिकल्ट सिचुएशंस हो तब आप उनसे पूछिए कि बेटा मेरे साथ ये सिचुएशन है, कैन यू सजेस्ट मी समथिंग। तो बच्चा ग्रोन अप फील करेगा,
उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ खेलिए, बातें कीजिए, अपनी बातें बताइए, अपने दोस्तों की बातें बताइए, चाहे कुछ गड़बड़ भी हो तो भी बताइए, जिससे उसे लगेगा कि आप भी उससे उतने ही फ्रैंक हैं जितना वो। अब जब सारी टेक्निक्स में अपडेशन हो रहा है तो हमें भी तो अपनी पेरेंटिंग की टेक्निक्स में अपडेशन करना पड़ेगा ना, तो क्यों नहीं हम बच्चों से बेटर कनेक्शन बनाने के लिए अपने आप को अपडेट करें, एक बेटर पेरेंटिंग की ओर जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी जल्दी ही कुछ नई कहानी और कुछ नई बातों के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।